अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 12। तो कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। सो ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो वहां पे बी ए बी होना चाहिए। फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू ए, अब ए में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, इफ वी हैव अ सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, अगर कोई रिलेशन है और उस रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर पेयर्स मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 4। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेट ए है विच कंटेन्स 5 एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, और इसी सेट के रिलेटेड हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन आर इन ए, जिसमें ऑर्डर पेयर है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 4। अगर हम बात रिफ्लेक्सिव की करेंगे तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर ए में 1 है तो आर में 1, 1 होना जरूरी है, जो कि है यहां पे। अगर ए में 2 है तो आर में 2, 2 होना जरूरी है, जो कि यहां पे मौजूद नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर ए भी है जो आर में है, तो व्हाट्स नेसेसरी, उस रिलेशन में बी ए का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास रिलेशन में ए बी है तो उस रिलेशन के अंदर बी ए का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे 1, 1 है, इसका आप इनवर्स चेक करो तो 1, 1 ही आएगा, तो मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स जो है वो वहीं पे मौजूद है। अगर 1, 2 है तो किसका होना जरूरी है, 2, 1 का, वो भी मौजूद है। 1 by 1 टिक करेंगे, 1, 1 इसके लिए 1, 1 का होना जरूरी है, वो तो ऑलरेडी यही एलिमेंट है। 1, 2 इसके लिए 2, 1 का होना जरूरी है, 2, 1 इसके लिए 1, 2 का होना जरूरी है, 2, 3 इसके लिए 3, 2 का होना जरूरी है, 3, 2 के लिए 2, 3 का, 4, 4 के लिए 4, 4, 4, 5 के लिए 5, 4। तो इसमें ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिसका इनवर्स यहां पे मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे 3, 4 होता, इस रिलेशन के अंदर अगर एक और ऑर्डर पेयर 3, 4 होता, तो वहां पे 4, 3 का होना बहुत जरूरी था। मान लो इस सेकेंड रिलेशन हम लेते हैं इसी सेट पे, फॉर एग्जाम्पल द रिलेशन इज 1, 4, 1, 5, 4, 1, 4, 3, 5, 1, ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन में 1, 4 है तो 4, 1 का होना जरूरी है, ओके। इस रिलेशन के अंदर 1, 5 है तो 5, 1 का होना बहुत जरूरी है। इस रिलेशन के अंदर 4, 3 है तो 3, 4 का होना बहुत ही जरूरी है, लाजमी है। लेकिन यहां पे 3, 4 मौजूद नहीं है, तो दैट्स, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप रीजन क्या लिखोगे, हम रीजन लिखेंगे बिकॉज 4, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 4 डजेंट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजेंट बिलोंग्स टू आर, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन।
ओके ये मैंने आपको एग्जांपल बताई रोस्टर फॉर्म में कि कैसे आप चेक करोगे कि एक रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं. इफ वी हैव अ सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेट ए में 10 एलिमेंट्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड द रिलेशन इज सपोज रिलेशन इज ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 2. बी इज इक्वल टू ए प्लस 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. द रिलेशन इज ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. इस सेट बिल्ड अप फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे पहले रोस्ट अप फॉर्म में, उसके बाद हम चेक करेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है. तो इसके लिए क्या करना है, आर इज इक्वल देखो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है हमारे पास और इक्वेशन है बी इज इक्वल टू ए प्लस 2. बी इज इक्वल टू ए प्लस 2. ए इज द फर्स्ट कंपोनेंट, बी इज द सेकेंड कंपोनेंट. अब ये ए और बी क्या है, ये है, दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए. तो आपने क्या करना है, ए इज 1, ए इज 2, ए इज 3, ए इज 4, ए इज 5, 6, 7, 8, 9, 10. बी के भी यही वैल्यूज है, जो एलिमेंट बी है इसके भी यही वैल्यूज है 1 टू 10, क्योंकि मैंने मेंशन किया है ए बी बिलोंग्स टू ए. अब इक्वेशन में क्या होता है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, आप एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, दूसरा खुद ब खुद निकल जाता है. तो आप यहां पे ए का वैल्यू 1 ले लो, सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, ए का जब वैल्यू 1 आएगा तो बी कितना आएगा, 1 प्लस 2. सो बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज 3. देयरफॉर जो 1 है वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 3 के साथ. ओके 1 जो है वो 3 के साथ रिलेशन बना रहा है और 1 भी ए को बिलोंग करता है, 3 भी ए को बिलोंग करता है. सेकंड, अगर हम ए का वैल्यू आप 2 लेंगे, ए का वैल्यू 2 है, तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट यहां पे करोगे, सो बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज 4. देयरफॉर 2 4 के साथ रिलेशन बना रहा है. इसी तरह अगर आप 3 ले लोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, इट्स ए का वैल्यू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल 5. तो 3 5 के साथ रिलेशन बना रहा है. अब आप खुद से ऑब्जर्व कर भी सकते हो, देखो 1 एंड 3 द डिफरेंस इज 2, 2 एंड 4 द डिफरेंस इज 2, 3 एंड 5 द डिफरेंस इज 2. तो आप खुद से देख सकते हो 4 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 6 के साथ. फिर 5 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 7 के साथ. ये सब्स्टिट्यूट करो आप, ऐसे भी ट्राई कर सकते हो. देन 6 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 8 के साथ. देन 7 किसके साथ, सॉरी हाँ यस, 7 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 9 के साथ. और 8 किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 10 के साथ. 1 with 3, 2 with 4 and so on, 8 with 10. अब देखो लास्ट में यहां पे ध्यान रखना, अगर हम ए का वैल्यू 9 लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है बी इज इक्वल टू ए प्लस 2, ए जो है आप 9 ले लो, ए इज 9, सो बी इज इक्वल टू 9 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11. तो 9 रिलेशन बना रहा है 11 के साथ. क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस आर का होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना, 9 इज ए, ए बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए, बट जो सेकंड एलिमेंट बी है, बी विच इज 11, 11 डजंट बिलोंग्स टू ए, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस आर में नहीं होगा. इस पे आप ध्यान रखना,
ए तो आपने 9 लिया था, वो तो ए को बिलोंग करता है, लेकिन जो इसका आउटपुट आया था बी का वैल्यू 11, वो इस ए को बिलोंग नहीं करता है। तो ये रिलेशन यहां तक ही बनेगी। तो इस रिलेशन के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बन गई रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो 1, 3 है तो किस चीज का होना बहुत जरूरी है, 3, 1 का। कहीं पे 3, 1 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2, 4, 4, 2 नहीं है। 3, 5 के लिए 5, 3 का होना जरूरी था, नहीं है। 4, 6 के लिए 6, 4 का होना जरूरी था, नहीं है। सो दिस रिलेशन, अगर सिर्फ इसमें एक ऑर्डर पेयर ऐसा हो जिसका इनवर्स मौजूद नहीं हो तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। सो दिस रिलेशन आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा ध्यान रखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज अगर 1 है तो 1, 1 का होना जरूरी है, वो तो है ही नहीं। 2 है तो 2, 2 का होना जरूरी है, वो भी नहीं है। सो दिस रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ओके, सेट ए इज गिवन, इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... अप टू इंफिनिटी। सो इट्स ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड आर इज हमेशा ए बी नहीं होगा, एक्स वाई हो सकता है। एंड आर इज एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। चेंज करते हैं, 5 लिख सकते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, इज अ नेचुरल नंबर। R is xy and the condition, the equation is given, y is equal to x plus 5 for all xy belongs to A. अब आप क्या करोगे, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे? तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने x के सारे वैल्यूज 1 by 1 देने हैं, तो कितने सारे वैल्यूज दे गए हो? ट्राई करते हैं, R is equal to xy, तो x का वैल्यू क्या दे दोगे, 1। सबस्टिट्यूट यहां पे करो, 1 + 5 कितना हुआ, 6, तो 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 6 के साथ। देन x का वैल्यू 2, सबस्टिट्यूट करो, 2 + 5 हो गया 7, तो 2 किसके साथ बना रहा है, 7 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो कितने सारे इनपुट समझेंगे, फिर तो हमें इंफिनिटी तक जाना है, उसके बाद चेक करना है, तो ये तो लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना हम इसको चेक करेंगे, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसके लिए प्रोसीजर है, आप ध्यान देखो आपने क्या करना है। जो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y is equal to x plus 5, ये y is equal to x plus 5 अगर इसको कोई नंबर्स सेटिस्फाई कर रहे तो वो पेयर बना रहा है xy, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही R में होगा। सो xy belongs to R। फॉर example, 6 is equal to 1 + 5, 6 इज इक्वल टू 1 + 5, ये तो सही है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब y की जगह 6, x की जगह 1, विच इंप्लाइज 1, 6, x की जगह 1 आएगा, y की जगह 6 आएगा, विच इंप्लाइज 1, 6 बिलोंग्स टू R। तो R में एक पेयर 1, 6 होगा। वन मोर, अगर मैं लिखूं 8 इज इक्वल एक्स की जगह क्या लिखूं, 3 + 5, विच इंप्लाइज एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 8,
सो 3, 8 नॉट 8, 3 बट इट्स 3, 8 बिलोंग्स टू आर. ओके, अब मसला है कि अगर इस रिलेशन के अंदर 1, 6 है तो क्या इसमें 6, 1 मौजूद है? अगर इसमें 3, 8 है तो क्या इसमें 8, 3 मौजूद है? क्योंकि हमें सिमेट्री चेक करनी है. कैसे चेक करेंगे? देखो इसमें 1, 6 है जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. 6 कहां पे? लेफ्ट साइड में. 1 कहां पे? राइट साइड में एक्स की जगह. ओके, अब हम इनको इंटरचेंज करेंगे, 1 और 6 को इंटरचेंज करेंगे, तब जाके इसमें 6, 1 होगा. अगर 1, 6 है तो क्या होना जरूरी है? 6, 1. तो जब 6 और 1 को इंटरचेंज करेंगे, 1 लेफ्ट साइड से लिखो, 6 राइट साइड से लिखो, +5. 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज ट्रू, देयरफॉर 1, 6 बिलोंग्स टू आर. इफ 1 इज इक्वल 6 प्लस 5 इज ट्रू, देन 6, 1 बिलोंग्स टू आर. ठीक है, लेकिन क्या 1 इज इक्वल 6 प्लस 5 है? 1 इज नॉट इक्वल टू 6 प्लस 5, देयरफॉर 6, 1 डजंट बिलोंग्स टू आर. सिमेट्री बोलता है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि अगर इस रिलेशन के अंदर 1, 6 है तो किसका होना लाजमी है? 6, 1 का होना लाजमी है. लेकिन इस रिलेशन के अंदर 1, 6 तो है लेकिन 6, 1 इसको बिलोंग नहीं करता है. हेंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, ये तो हो गया, एग्जाम्पल से मैंने समझाया. अब देखो मैथमेटिकली आप कैसे किया करोगे इसको. ध्यान रखना, टू चेक whether this relation is symmetric or not, हम लिखेंगे ऐसे, for symmetric relation. आपने क्या करना होता है? It's given that y तो x plus 5 के बराबर है. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू x प्लस 5, सो इट गिव्स अस x y बिलोंग्स टू r. इट गिव्स अस x प्लस y, x कॉमा y बिलोंग्स टू r. तो सिमेट्रिक होने के लाजमी क्या है? अब आप 1, 2, 3 से ट्राई नहीं करोगे, अब आप यही पे इसको सॉल्व करोगे या प्रूव करोगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है. y इज इक्वल टू x प्लस 5 इज गिवन. This relation gives us x, y belongs to R. What we need for symmetric? We need y, comma x belongs to R. Y, comma x belongs to R. तो ये तब होगा जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि मैंने इन दो को इंटरचेंज किया तो यहां भी इनको इंटरचेंज करना है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है कि y x इसको बिलोंग करता है? अगर करता है तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये सही इक्वेशन होने चाहिए, ये सही एक्सप्रेशन होने चाहिए. अब यहां से हम चेक करेंगे, जो गिवन है उसी से चेक करना है. गिवन इज y इज इक्वल x प्लस 5, हमें निकालना है x इन टर्म्स ऑफ y. अगर x इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल टू y प्लस 5 आया तो ये सही है. तो देखो y इज इक्वल x प्लस 5, अब हम क्या करेंगे, y ये 5 को इधर शिफ्ट करो तो माइनस 5 बन जाएगा और वहां पे बचेगा क्या, x. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 5. तो अगर y x प्लस 5 के बराबर है तो x किसके बराबर है? x तो y माइनस 5 के बराबर है. x किसके बराबर होना चाहिए था? x होना चाहिए था y प्लस 5 के बराबर, लेकिन आया किसके बराबर? x इज इक्वल टू y माइनस 5. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? दिस एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू y प्लस 5 इज इनकरेक्ट एज पर दिस. सो x इज नॉट इक्वल टू y प्लस 5. अगर यहां पे नॉट आया तो यहां भी नॉट ही आएगा. देयरफॉर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर,
yx doesn't belongs to R, hence this relation is not symmetric relation. If relation is P comma Q, P and Q are parallel lines. P and Q are parallel lines. अब एक statement हमने लिया. ये statement, ये relation symmetric है या नहीं है? तो हम try करेंगे ऐसे. देखो इसको आप ऐसे लिखो, for symmetric relation, for symmetric relation check करेंगे. What's given? It's very easy. थोड़ा ध्यान रखना है. Given is P and Q are two lines which are parallel to each other. P and Q are parallel lines. अगर P और Q parallel lines है तब जाके ये इसको belong करता है. If P and Q are parallel lines, which gives us PQ belongs to R. अब symmetric के लिए QP होना चाहिए. QP belongs to R. ये तब होगा जब statement ये होगा. इनको interchange करके पढ़ो. ये तो गिवन है और ये हमें दे रहा है पी क्यू बिलोंग स्टार. सिमेट्री के लिए क्या चेक करना है कि क्यों पी आर में होना चाहिए. तो क्यों पी तब होगा जब यहां पे इन दो को इंटरचेंज करके पढ़ेंगे. तो पी क्यों था, अब क्यों पी पढ़ना है. अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या ये सही मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है. इफ पी इज पैरेलल टू क्यू, तो क्यों इज पैरेलल टू पी सही है कि गलत है. If a line P is parallel to line Q, then Q is also parallel to P. हम पढ़ सकते हैं ये statement सही है. If P and Q are parallel lines, we can say that Q and P are parallel lines. Hence this statement is correct. So QP belongs to R. Hence this relation is symmetric relation. Okay. R is A comma B such that A is less than B for all A B belongs to R. ये कोई real numbers की हम बात कर रहे हैं. हम एक particular set A 1 2 3 की बात नहीं कर रहे हैं. हम एक real number system की बात कर रहे हैं, पूरे numbers की बात कर रहे हैं. तो अब symmetric के लिए क्या करना है, for symmetric relation what's given? Given is A is less than B, which gives us AB belongs to R. R is this relation and this R is set of real numbers. A is less than B, which gives us AB belongs to R. अब यह symmetric है या नहीं है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, BA belongs to R. और BA कब बिलोंग R को करेगा, जब B लेस देन A होगा. लेकिन ये यहां से ट्राई करना है. तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम यहां पे इसको. इफ 3 इज लेस देन 7, विच गिव्स अस 3 कॉमा 7 बिलोंग्स टू R. अब सिमेट्रिक के लिए 7,3 होना चाहिए. 7,3 बिलोंग्स टू R, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब इनको इंटरचेंज करके चेक करेंगे
तो 7 इज लेस देन 3. इज दिस ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स. 7 इज नॉट लेस देन 3. सो 7, 3 डजंट बिलोंग्स टू आर. सो इफ ए इज लेस देन बी, बी इज नॉट लेस देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर एंड दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. सो दिस अल्फा सिमेट्रिक रिलेशन. अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन. रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए बी एंड बी सी, टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी सी, ए बी बी सी. तो द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए. देन उसके बाद हमें क्या ढूंढना है? देखो पहले ये दो का होना बहुत जरूरी है, ए बी एंड बी सी. अगर ये रिलेशन में मौजूद है, उसके बाद ट्रांजिटिव होने के लिए हमें तीसरा पेयर ढूंढना है. कौन सा पेयर? इनको जरा कट करो तो बचेगा क्या? ए कामा सी. फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशन के अंदर 2, 3 और 3, 7 है, अगर ये दो मौजूद है तो उसके बाद तीसरा ढूंढना है. तो तीसरा क्या होना चाहिए? 2, 7. देन दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, तो एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं रोस्टर फॉर्म में. R इज इक्वल 2, 3, 3, 1, 2, 1. बस इस रिलेशन के अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स है. अब सेट तो गिवन होगा और रिलेशन का स्टेटमेंट गिवन होगा या इक्वेशन गिवन होगी, उसकी बुनियाद पे हमने एक रिलेशन क्रिएट की. सो द ऑर्डर्ड पेयर्स आर 2, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 4, 2, 4. इज दिस रिलेशन ट्रांजिटिव और नॉट? तो चेक करेंगे. देखो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना, आपने दो ऑर्डर्ड पेयर्स पहले चूज करने हैं. वो दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस पैटर्न के होंगे, ए बी एंड बी सी. उसके बाद आपने तीसरा ढूंढना है. तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे. 2, 3 अगर मैं बाहर ले लूं, इसके साथ क्या आप 2, 4 को कंपेयर करोगे? नहीं. कंपेयर किन को करना है? जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट इक्वल हो, ये दो, उनको कंपेयर करके देखना है. पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, इनको कंपेयर करके देखना है. तो उसके बाद हमें तीसरा ढूंढना है, एसी. तो क्या मैं 2, 3 को 2, 4 के साथ कंपेयर करूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट 3 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, ये आपस में कंपेयर नहीं हो रहे. तो 2, 3 को किसके साथ कंपेयर करोगे? इस 2, 3 के अंदर सेकंड कंपोनेंट 3 है, तो हमें उसके साथ कंपेयर करना है, उस ऑर्डर्ड पेयर के साथ कंपेयर करना है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 3 होगा. तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 पेयर्स है इसको छोड़ के. तो इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट 3 है? दैट इज दिस. सो 2, 3 को अगर आपने कंपेयर करना ही है तो आप 3, 1 के साथ कंपेयर करो. अब जरा 3 और 3 को कट करो, या ऐसे कट करना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं. 3 और 3 को जरा आप कट करो तो व्हाट्स रिमेनिंग? 2, 1. अब देखो 2, 1 इसमें है कि नहीं? यस, 2, 1 इज प्रेजेंट इन द रिलेशन. लेकिन सिर्फ एक पेयर को कंपेयर करके नहीं, सारे पेयर्स को कंपेयर करना है पहले, उसके बाद हम रिजल्ट पे जाएंगे ये ट्रांजिटिव है या नहीं है. फिलहाल एक पे यस आ गया, ठीक है. अगर 2, 3 है, 3, 1 है, तो 2, 1 भी मौजूद है, हो गया एक पेयर. इसके लिए मैंने टिक कर दिया, सेकंड पे जाएंगे. अब 3, 1 को किसके साथ कंपेयर करोगे? वो पेयर ढूंढो जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट 1 होगा. यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पे है 1, 4. 3, 1, 1, 4. तो ये इसके साथ कंपेयर होगा,
ये और ये अगर कट करोगे तो व्हाट्स रिमेनिंग, 3, 4. अब दोनों 3, 4 है या नहीं है? 3, 4 इस आर में मौजूद नहीं है. अब हम रिजल्ट पे चलते हैं. अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. तो जब चेक करोगे 3, 4 वो तो इस आर में मौजूद नहीं है. सो हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, आर इज इक्वल एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल एक्स प्लस 5 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सपोज. ये एक्स और वाई क्या है? नेचुरल नंबर्स है. इक्वेशन क्या है? वाई इज इक्वल एक्स प्लस 5. तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक किया, फिर सिमेट्रिक चेक किया, अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे. y is equal to x plus 5, it's given, it gives us xy belongs to R. It's symmetric नहीं है, transitive है. हमें होना चाहिए पहले xy और yz, फिर हम ढूंढेंगे xz. xy, yz, xz. पहले ये दो होना बहुत लाजमी है, फिर हम तीसरा ढूंढेंगे. सो इफ y इज इक्वल एक्स प्लस 5 बिलोंग्स टू, इट गिव्स अस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. अब हम दूसरा खुद से लेते हैं, सपोज करेंगे किसमें एक्स वाई वाई जेड. ध्यान रखो एक्स वाई वाई जेड पहला गिवन था, दूसरा हमने सपोज किया इसमें है वाई जेड बिलोंग्स टू आर. तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन होगी? ध्यान रखना वाई सेकेंड एक्स फर्स्ट. अब देखो कौन कहां पे किस पोजीशन पे है. तो y और z, z को हम लेफ्ट साइड से लिखेंगे, y को राइट साइड से. ये वाली जो है इक्वेशन हमने सपोज कर दी कि y z इसको बिलोंग करता है एक्स वाई वाई जेड. अब हम तीसरा ढूंढेंगे एक्स जेड. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 गिव्स अस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. सेकेंड हमने सपोज किया कि वाई जेड भी इसमें मौजूद है, तो जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 5, इसके लिए इक्वेशन बनेगी. अब देखो करना क्या है, हमें चाहिए एक्स जेड, एक्स जेड एक्स वाई तब है जब वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, वाई जेड तब है जब जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 5 है, और एक्स जेड तब होगा जब जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा. इसको ध्यान में रखना, ये तब पॉसिबल है एक्स जेड का होना, इसकी पॉसिबिलिटी तब है जब जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा. ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में कौन कौन सा वेरिएबल है? एक्स एंड वाई. सेकेंड में कौन कौन सा वेरिएबल है? जेड एंड वाई. हमें कौन कौन सा चाहिए? जेड एंड एक्स. तो वाई को हम इन दो में से इलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड में से. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है वाई का वैल्यू, इसको हम सेकेंड में सबस्टिट्यूट करेंगे वाई की जगह. तो मैं ऐसे लिखूंगा, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड. फर्स्ट से वाई का वैल्यू सबस्टिट्यूट करोगे सेकेंड में. तो सेकेंड है जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 5. सो जेड इज इक्वल टू वाई की जगह क्या है? एक्स प्लस 5. और एक्स की जगह वाई प्लस 5, सॉरी वाई की जगह एक्स प्लस 5 प्लस 5. So z is equal to x plus 10. तो z x के साथ रिलेशन तो बना रहा है, लेकिन क्या है रिलेशन? z is equal to x plus 10. और हमें क्या चाहिए था? z is equal to x plus 5. क्या ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट जो है, ये इक्वेशन जो है रॉन्ग है, ये गलत है. क्योंकि हमें आंसर मिला z is equal to x plus 10, z is not equal to x plus 5. So therefore x that doesn't belongs to R. तो हमारे रिलेशन के अंदर अगर एक्स वाई है और वाई जेड है, लेकिन इसके अंदर एक्स जेड नहीं है, हेंस दिस रिलेशन
इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसी रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.